आज का टॉपिक थ्री फेज मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के बाद आप थ्री फेज मोटर के कनेक्शन सीख जाओगे। दोस्तों आपसे कोई इंडस्ट्री के अंदर बोलता है कि हमारी थ्री फेज मोटर है, आप जाओ और इसका कनेक्शन करो, तो दोस्तों वो साथ में एक और चीज बोलता है, या तो वो बोलता होगा कि आप इसका स्टार में कनेक्शन कर दो, या फिर आपको बोलता होगा कि इसका डेल्टा में कनेक्शन कर दो। स्टार कनेक्शन अलग होता है, डेल्टा कनेक्शन अलग होता है, और एक और कनेक्शन होता है जो होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मोटर है, इस मोटर को हम दो तरीके से चलाते हैं, या तो हम इसको स्टार में चलाते हैं या फिर इसको डेल्टा में चलाते हैं। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि एक तो हमारे पास ड्यूल स्टार्टर भी होता है, तो दोस्तों जो ड्यूल स्टार्टर होता है ना, वो ड्यूल स्टार्टर के अंदर हम मोटर को स्टार में भी चलाते हैं और डेल्टा में भी चलाते हैं। अभी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपने कनेक्शन प्लेट देखी, इस कनेक्शन प्लेट पे 6 वायर आ रहे होंगे मोटर के अंदर से। ठीक है, मोटर के अंदर 6 वायर आ रहे होते हैं, पर हमारे पास क्या होता है, ओनली 3 फेज सप्लाई की होती है। अब हम ये 3 वायर 3 फेज सप्लाई हम इस 6 पॉइंट पे जोड़ते हैं। आखिर वो कैसे जोड़ते हैं, वही होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि आखिर ये कनेक्शन प्लेट में मोटर के वायर के साथ है, उससे आपका सारा राउंड क्लियर हो जाएगा। आपको एक नॉर्मल चीज बताऊं ना, हमारा जो स्टार कनेक्शन होता है, इस स्टार कनेक्शन के अंदर हम मोटर को ओनली एक वाइंडिंग को 220 वोल्टेज देते हैं। आप ये याद रखिएगा, अभी आपके आगे जाके बहुत क्लियर होने वाले हैं। और जो डेल्टा कनेक्शन होता है, वो डेल्टा कनेक्शन में आप एक मोटर को 415 वोल्टेज देते हो। ठीक है, तो दोस्तों आखिर कैसे होता है, दोस्तों हमारे यहाँ मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग सिंपल सी बात है, आप वाइंडिंग को ज्यादा मसलिए, वाइंडिंग तो सिर्फ एक इतनी सी बात है, एक वायर लपेटा हुआ और वाइंडिंग कहलाती है। दोस्तों क्या होता है, हमारा जैसे ये कनेक्शन प्लेट है, इस कनेक्शन प्लेट में 6 वायर है ना, 6 वायर का मतलब 3 वाइंडिंग है, तो एक वाइंडिंग क्या होंगे, दो सिरे होंगे, एक और दो। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे एक वायर का सिरा यहाँ पे लग गया वाइंडिंग का, और इसी वाइंडिंग का दूसरा सिरा यहाँ लग जाएगा, इस वाली वाइंडिंग का दूसरा सिरा यहाँ लग जाएगा, इस वाली वाइंडिंग का सिरा दूसरा यहाँ पे लग जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्या होता है, यहाँ पे 3 वाइंडिंग होती है। ठीक है, एक दो और ये 3, मतलब एक तार हमारी मोटर के अंदर गया, वो मोटर के अंदर लपेट लपेट के दूसरी साइड आके लग गया। तो दोस्तों स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, दोस्तों आपने देखा होगा स्टार कनेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे पत्ती लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की दोनों पत्ती लगाते हैं, तो हमारा स्टार कनेक्शन होता है। तो दोस्तों क्या होता है, ये हम 3 पत्ती क्यों लगा रहे हैं, ये 3 पत्ती हम इसलिए लगा रहे हैं, हम क्या इन तीनों को इधर से शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि जो वाइंडिंग हमने क्या बोलते हैं, 3 वाइंडिंग होती है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, यू वाइंडिंग, बी वाइंडिंग और डब्ल्यू वाइंडिंग। तो हम क्या एक सिरे को, अभी मैं इधर भी पत्ती लगा सकता हूँ, अभी मैं इधर भी पत्ती लगा सकता हूँ और इधर भी पत्ती लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने पत्ती इधर लगाई तो मैं क्या करूँगा, इधर आर दे दूंगा, इधर वाई दे दूंगा और इधर बी दे दूंगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा, मेरी जो एक वाइंडिंग है, इस एक वाइंडिंग के अंदर मेरे क्या 220 वोल्टेज गए, 220 वोल्टेज गए ना, इस वाइंडिंग के अंदर भी 220 वोल्टेज गए, वी वाइंडिंग में 220 और डब्ल्यू वाइंडिंग में भी 220। इसको बोलते हैं दोस्तों स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इन तीनों पे हम पत्ती डाल देते हैं और इसमें नट लगा देते हैं, और नट लगाने के बाद हम आर वाई भी इधर जोड़ देते हैं। अगर मोटर उल्टी घूम रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम किसी भी एक फेज को चेंज कर देंगे। जैसे मैंने आर वाई भी ऐसे दिया ना, तो मैं क्या करूंगा, इसमें वाई दे दूंगा और इसमें आर, किसी भी दो फेज को आपस में चेंज कर देता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं आगे डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों डेल्टा कनेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारी वापस से 3 वाइंडिंग है, एक दो एंड ये 3। ठीक है, 3 वाइंडिंग हो गई, इतना तो आप समझ गए, एक वायर यहाँ पे लगेगा, दूसरा इसके सामने भी कहीं पे भी लग सकता है। हम डेल्टा कनेक्शन में जैसे हर वाइंडिंग के अंदर 2 फेज देते हैं, हर वाइंडिंग के अंदर 2 फेज देते हैं, मतलब 415 वोल्टेज जो भी हमारी 3 फेज सप्लाई यानी वो देते हैं। मतलब दोस्तों जैसे ये यू वाइंडिंग है, ये वी वाइंडिंग होती है, डब्ल्यू वाइंडिंग, तो इसके अंदर मैं आर दे दूंगा, इसके अंदर मैं वाई दे दूंगा, इसके अंदर मैं येलो दे दूंगा, इसके अंदर मैं ब्लू दे दूंगा, इसके अंदर मैं ब्लू दे दूंगा और इसके अंदर मैं रेड दे दूंगा। मतलब दोस्तों इसको समझिए, जैसे मेरा आर फेज इसके अंदर क्या, पर मैं इधर वापस आर नहीं जोड़ सकता, यानी एक बात ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग सेम है, तो इसके अंदर भी मैं आर और इसके अंदर भी आर मैं नहीं जोड़ सकता। दोनों के अंदर या तो इसमें आर जोड़ दिया तो इसमें येलो जोड़ूंगा, इसमें अगर मैंने ब्लू जोड़ दिया तो इसके अंदर मैं रेड जोड़ सकता हूँ, यानी एक फेज में ना आपस में दोनों दोनों वाइंडिंग के अंदर फेज अलग अलग होना चाहिए। तो जैसे मैंने फर्स्ट वाइंडिंग के अंदर आर और इधर वाई जोड़ दिया, वाई और बी जोड़ दिया, बी और आर जोड़ दिया। अब डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बताऊं, ये ऐसे पत्ती लग जाती है, इसको मैं इधर नट लगा दूंगा और इधर मैं आर वाई भी कनेक्शन दे दूंगा। अब वापस से मोटर उल्टी घूम गया तो मैं किसी भी दो फेज को आपस में चेंज करूंगा, जैसे आर वाई भी है तो मैं वाई भी को आपस में चेंज करूंगा, बी और वाई जोड़ दूंगा। ठीक है, दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है। अब दोस्तों एक और आपने कनेक्शन सुना होगा स्टार डेल्टा कनेक्शन। अब स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन दोस्तों सिंपल की बात है, ये हमारी मोटर है, जैसे भी मैंने आपको बताया स्टार कनेक्शन में क्या होता है, दोस्तों हम स्टार्टिंग में मोटर को स्टार में चलाते हैं, इधर वाई तीनों को शॉर्ट कर देते हैं, और डेल्टा के अंदर जब मोटर चलती है, यानी हम 15-20 सेकंड तक स्टार में चलाते हैं, वो हमारी मोटर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मोटर कितने एचपी की है, 15-20 सेकंड के बाद हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं ना। आप देखिएगा जो भी हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है उसके अंदर एक दो और तीन कॉन्टेक्ट होता है, तीन कॉन्टेक्टर होते हैं, पहला जो एक कॉन्टेक्टर जो होता है ना उसमें तीनों इधर शॉर्ट हो रखा है, तो वो तीनों शॉर्ट का मतलब ये आपका स्टार कॉन्टेक्टर है। इसके अंदर दोस्तों क्या करते हैं, हम कुछ समय के लिए इस कॉन्टेक्टर को ऑन करते हैं, कुछ समय के लिए इस कॉन्टेक्टर को ऑन करते हैं, फिर बाद में हम एक टाइमर लगा देते हैं, वो टाइमर क्या करता है 20 सेकंड या 15 सेकंड जो भी हमने सेट कर रखा है, उस सेकंड के बाद इस कॉन्टेक्टर को बंद करके इस कॉन्टेक्टर को स्टार्ट कर देता है, जो कि होता है डेल्टा कॉन्टेक्टर।
तो दोस्तों ये होता है हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो दोस्तों आई होप कि अब आप थ्री फेज मोटर का कनेक्शन सीख गए होंगे। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप कभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपके क्वेश्चन के साथ में आपके नंबर भी लिख दीजिए कि आपके नंबर क्या है, तो दोस्तों ताकि मैं आपको इंस्टेंट कॉल करके आपकी हेल्प कर सकूँ, और मैंने बहुत जनों को कॉल करा भी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा।